नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, हमारा राजस्थान देवालयों का, संत महात्माओं का, पीरों फकीरों का राजस्थान है, और खास तौर से यहां पर जो हमारे लोक देवताओं के मेले हैं वो इतने दर्शनीय होते हैं कि पूरी दुनिया उनको देखती है। आज मैं आपको रुणाचल लिया चल रहा हूँ, जहाँ पर हमारे सबसे बड़े लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज के जन्मोत्सव और समाधि का मेला चल रहा है, क्योंकि भादवा के महीने में रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ और एकादशी के दिन उन्होंने समाधि ली थी, और भव्य मेला चल रहा है। लगभग 50 लाख से ज़्यादा भक्त इस मेले में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मैं आपको इस समय फलोदी से लेकर रुणीचक बीच का नज़ारा दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर हाईवे पर लाखों भक्त इस समय पैदल चल रहे हैं, और उसके बाद में हम रुणीचा पहुँचेंगे, जहाँ पर बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि स्थल के हम दर्शन करेंगे, रुणीचा धाम के दर्शन करेंगे। आइए, इस समय आपको फलोदी से रुणीचक बीच के हाईवे का नज़ारा दिखाता हूँ। रामदेव यात्रा का दृश्य आप देख रहे हैं। इस समय हम रामदेवरा की तरफ जा रहे हैं, और ये फलोदी से रामदेवरा रोड का नज़र आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पैदल यात्री यहाँ पर चल रहे हैं। बाबा के दर्शन लिए भक्तों को देखा जा सकता है यहाँ पर। अब दूर दूर से पैदल यात्री आते हैं, नागौर से रामदेवरा के युवा भक्त आप देख रहे हैं अभी पहुँचे यहाँ पर। खूबसूरत नज़ारा रामदेवरा का आप देख रहे हैं मेले का। ये मुख्य मार्ग है मंदिर की तरफ जाने वाला। ये आपको रुणीचा का दृश्य दिखा रहे हैं रामदेवरा का, जहाँ पर बाबा रामदेव जी महाराज के जन्मोत्सव का, भादव की दसवीं का मेला चल रहा है, और आज आपको बता दूं द्वितीय है, और भारी भीड़ यहाँ पर आ रही है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है जिसमें लाखों भक्त आते हैं। कहते हैं कि 50 लाख भक्त इसमें दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसमें 25 से 30 लाख भक्त पैदल यात्रा करके आते हैं। और ये आप पुल देख रहे हैं जिसके ऊपर से होकर भक्त इस समय रामदेव जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पूरा रुणीचा क्षेत्र इस समय भक्तों से हटा हुआ है, भारी भीड़ यहाँ पर बाबा रामदेव जी के दर्शनों के लिए उमड़ रही है। आइए रामदेवरा से 2019 के बाबा के इस भव्य मेले का अवलोकन करते हैं। ये आप देखिए, ये पुल बना हुआ है जिसके ऊपर से भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। जोरदार भीड़ आप देख रहे हैं भक्तों की यहाँ पर, और सभी दर्शन करके आए हैं, बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। लंबी कतारों में चलकर भक्त दर्शन कर रहे हैं, भारी भीड़ आप देख रहे हैं। रामदेवरा का नज़र आप देख रहे हैं, रुणीचा धाम का, बाबा रामदेव जी महाराज का सबसे बड़ा मेला भादव का, और इसमें ये देखिए कतारों में सुरक्षा प्रबंध भी बहुत अच्छे किए गए हैं। ये मेले की तरफ, मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते का नज़ारा आप देख रहे हैं, गेट के नीचे से आप देख रहे हैं, पूरी लंबी कतारों में भक्ति भक्त नजर आ रहे हैं। रुणीचा का नज़र आप देख रहे हैं रामदेव जी मेले का। बाबा की ध्वजाएं ली हुई है बाबा, देख रहे हैं जो निशान लेकर आए हैं वो निशान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं बाबा को। बहुत लंबी कतारें आप देख रहे हैं, और इस पुल से होकर वक्त आ रहे हैं आगे हैं। पेट पर यात्रा हो रही है, दंडवत होकर बाबा के दरबार में धोख लगाने के लिए जा रहे हैं वक्त। 2019 का बाबा रामदेव जी का मेला रुणीचा साहब देख रहे हैं। पानी की बहुत लंबी लंबी कतारों में भक्त आप देख रहे हैं। रुणीचा का दृश्य आप देख रहे हैं जैसलमेर जिले में रामदेव जी महाराज के भादव का भव्य मेला।
बाबा रामदेव जी महाराज के दिव्य धाम रामदेवरा अरुणीचक का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। 2019 का भादव मेरा बाबा का, भारी भीड़ भक्तों की यहाँ पर। राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक स्थल बाबा रामदेव जी महाराज के धाम रुणीचक का नजर आपको दिखा रहे हैं। 2019 में भादव दशमी का बाबा रामदेव जी मेरा जन्मोत्सव का मेला, और इस समय मैं ठीक मंदिर के बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूं, और मैं मंदिर के अंदर इस प्रवेश करने वाला हूं। बहुत सुंदर अलौकिक नज़ारा है। आपको बता दूं 5 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, 5 किलोमीटर भक्तों की भीड़ है और 6-6 लाइनें लगी हुई है, और किसी के चेहरे पर शिकन नज़र नहीं आ रही है। पूरी श्रद्धा के साथ भक्त बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं, और दर्शन की लालसा के साथ जो कामनाएं लेकर आए हैं वो कामनाएं बाबा के सामने रखने के लिए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आइए रुणीचक में बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि स्थली पर चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये घोड़े लेकर आए हैं भक्त, ये देखिए घोड़े चढ़ाने के लिए। भारी भीड़ आप देख रहे हैं बाबा के भक्तों की। मंदिर के बिल्कुल बाहर पहुंच गए हैं भक्त, और खुशी का ठिकाना नहीं है। ये देखिए कंधे पर बाबा रामदेव जी महाराज का घोड़ा जो यहाँ पर चढ़ाने के लिए लाए हैं। ये देखिए भक्त घोड़े ले लेकर आए हैं बाबा जी को चढ़ाने के लिए। ये देखिए मंदिर परिसर की भीड़, कई ब्लॉक बने हुए हैं, पर इन ब्लॉक्स में चलते हुए भक्त मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है, और तभी भक्त दर्शन कर सकते हैं। रुणीचक मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शनों की व्यवस्था है। सरदार भक्ति का अनुपम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं रुणीचक धाम से, बाबा रामदेव जी महाराज के निज मंदिर से। हर मुख से एक ही निकल रहा, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, यही शब्द सबके मुख से निकल रहे। अनुपम अलौकिक दिव्य नज़ारा है ये रुणीचक धाम का, और ये प्रवेश द्वार है जहाँ से भक्त अंदर आ रहे हैं। देख रहे हैं भक्तों के द्वारा सेवा की जा रही है, जल सेवा हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। पुलिस भी पूरी नज़र रखे हुए हैं मेले पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन परवाह गर्मी की नहीं है। बस एक ही लालसा है बाबा के दर्शन हो जाए, बाबा की एक झलक मिल जाए, और इसी आशा से लगभग 3-3 घंटे तक इन कतारों में चलकर बाबा की समय पर, बाबा की समाधि पर भक्त पहुंच रहे हैं। यहाँ तक जाना है, ये स्थान है, ये रास्ता समाधि की तरफ जाता है। उससे पहले इन झिकझिक व्यवस्था में कई घंटों चलना पड़ता है, उसके बाद में आप बाबा की समाधि पर पहुंचते हैं। लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं है, मन में श्रद्धा है, विश्वास है, बाबा के प्रति अगाध प्रेम है भक्तों का, और पसीना बहाकर, पसीने से नहाते हुए घंटों कतारों में चलकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्त पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा के बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है, ये गेट के अंदर का नज़ारा है, और ये भक्तों का नज़ारा है। उत्साह, आनंद, अद्भुत है, अलौकिक है बाबा रामदेव जी महाराज का ये धाम। हर जगह भक्त दर्शन कर रहे हैं, दूर दूर से पैदल यात्री आते हैं बाबा के धाम में। रुणीचक धाम का दृश्य देख रहे हैं 2019 के भादव मेले का। ये बाबा के मंदिर का दृश्य है, ये बिल्कुल मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं। बाबा की समाधि पे पहुंच गए मंदिर में अब, और ये समाधि स्थल का नज़ारा। आइए सीधे बाबा के दर्शन करवाते हैं, भादवा में बाबा की समाधि के आपको दर्शन करवा रहे हैं रुणीचक धाम से। सुंदर अलौकिक नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा है ये बाबा की समाधि का 2019। रुणीचक धाम में रामदेवरा में बाबा की समाधि के आप दर्शन कर रहे हैं।
लाइव दर्शन कर रहे हैं आप। 2019 का मेला, 7 सितंबर को बाबा का जन्मोत्सव है भादवा की दसवीं का, और आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, और कड़े सुरक्षा प्रबंध के बीच में भक्त दर्शन कर रहे हैं लंबी कतारों में चलते हुए। बार बार दर्शन करने का दिल कर रहा है बाबा का। बाबा की समाधि के दर्शन लुणीसा धाम से हम आपको करवा रहे हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन आप लुणीसा से करें, रामदेवरा से। 2019 भादव मेले का रामदेव जी की समाधि स्थली के दर्शन आपको करवा रहे हैं रुणिचा से। आप देख रहे हैं ये पुजारीगण हैं जो खूब भक्तों की सेवा कर रहे हैं। आइए बाबा का सुंदर दिव्य नज़ारा आपको दिखाते हैं। सुंदर दिव्य अलौकिक नज़ारा आपको रुणिचा का दिखा रहे हैं। आज 2019 के इस बाबा के भादव के मेले का सुंदर नज़ारा पीछे आप देख रहे हैं। बाबा रामदेव जी महाराज नीली घोड़ी पर सवार है और लाखों भक्त आज दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि 5 दिन का समय और है भक्तों के पास। 7 तारीख को बाबा का जन्मोत्सव है, भादव का दिव्य दर्शन है, और आज हम आपको सीधे रुणिचा धाम से रामदेवरा से बाबा रामदेव जी के निज मंदिर का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहाँ पर बाबा आप देख रहे हैं नीले घोड़े पर सवार हैं। ये डालीबाई मंदिर के बाहर भीड़, ये डालीबाई के दर्शन करवाते हैं, डालीबाई के दर्शन करते हैं। बाबा रामदेव जी महाराज की बहन का मंदिर में बहुत सुंदर ये दर्शन हर जगह आप देख रहे हैं, बहुत उमड़ रहे हैं दर्शनों के लिए। ये शिवालय के दर्शन रुणिचा धाम में, ये बाबा रामदेव जी महाराज के पलने का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये वो स्थान जहाँ जोत के लिए अंगारे तैयार हो रहे हैं बाबा के, बाबा की जोत यहाँ से होती है। अंदूरा डालीबाई की समाधि स्थल के दर्शन आप कर रहे हैं, डालीबाई की समाधि स्थल के दर्शन आप कर रहे हैं। अब ये डालीबाई का कंगन है, लोग इसके नीचे से निकलते हैं, लेकिन मेले के कारण इसको बंद कर रखा गया है। राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक मंदिर बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि रुणिचा धाम का दृश्य आपको दिख रहा है रामदेवरा का, जहाँ पर बाबा के जन्मोत्सव का मेला है, भादवा की दसवीं का मेला है, और इस समय आप देख रहे हैं पूरा रामदेव जी का मंदिर भक्तों से अटा हुआ है। इस समय 2 से 2.5 लाख जो भक्त हैं वो कतारों में लगे हुए दर्शन करने के लिए। कहते हैं इस एक महीने में 50 लाख से ज़्यादा भक्त दर्शन करते हैं, जिसमें 25 से 30 लाख भक्त पूरे देश से पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं। मैं डालीबाई की समाधि के सामने खड़ा हूं, और इसके ठीक बाई और कंगन है डालीबाई का, भक्त इसके नीचे से निकलते हैं। हालांकि मेले में इसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें समय लगता है और जल्दी जल्दी भक्त दर्शन करके निकल जाएं, इसके लिए इसको बंद रखा गया है। फिलहाल मैं आपको बाबा रामदेव जी महाराज के सरोवर की तरफ लिए जा रहा हूँ। रुणिचा धाम का दृश्य आप देख रहे हैं बाबा रामदेव जी महाराज के मेले का, और पीछे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा सरोवर है बाबा रामदेव जी महाराज का। इस बार इस क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ये सरोवर ये तालाब पूरा भर गया है, और बहुत बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी महाराज इसी में स्नान किया करते थे, और इस समय आप देख रहे हैं बहुत बड़े क्षेत्र में जो घाट बने हैं वहाँ पर भक्त बाबा रामदेव जी महाराज के सरोवर में स्नान कर रहे हैं। ये राम सरोवर का दृश्य आप देख रहे हैं,
रामदेव जी महाराज के रुंझा धाम का सरोवर बहुत विशाल क्षेत्र में है और पूरा पानी से भरा हुआ है, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है और लबालब भरा हुआ है ये पूरा सरोवर जो है। और इसके किनारे पर आप देख रहे हैं बहुत भीड़ है। ये देखिए भक्त स्नान कर रहे हैं सरोवर में, राम सरोवर का दृश्य आप देख रहे हैं, रामदेव जी महाराज के सरोवर का। बहुत बड़ा तालाब है, इस बार भारी बारिश के बाद में पूरा ये सरोवर पानी से भरा हुआ है और दर्शनीय नज़ारा है इस समय आप देख सकते हैं। ये सरोवर का घाट आप देख रहे हैं जहाँ पर भक्त आचमन कर रहे हैं। ये देखिए भक्त स्नान करते हुए, बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं रुणीचा धाम का। लाखों भक्त पैदल आते हैं, कहते हैं 25 लाख से ज़्यादा भक्त लोग आते हैं पैदल यहाँ पर, और सभी अपनी एक वेशभूषा में आते हैं जिन पे नाम कहाँ से कहाँ तक यात्रा छपे रहते हैं। सरोवर का दृश्य आप देख रहे हैं, ये देखिए पिरामिड बनाया जा रहा है, फिर मैं आपको बता दूं, और ये गिर गए हैं। ये मंदिर का नज़ारा, बाबा की बहुत सुंदर ध्वजाएँ लहरा रही ही है। दूर दूर तक भक्तों का जमावड़ा, ये मुख्य घाट पर। आप देख रहे हैं युवाओं की ये टीम जो जोधपुर से आई है। देखिए भक्तों की मस्ती, भक्तों का आनंद। मुनिचा धाम का सुंदर नजारा आपको दिखा रहे हैं। बाबा का प्रिय वाद्य है तंदूरा, जिस पर भजन बोले जा रहे हैं। पुनः बाबा रामदेव जी महाराज के सरोवर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। रुणीचे धाम का सबसे सुंदर नज़ारा इस समय आप देख रहे हैं। ये बाबा रामदेव जी महाराज का सरोवर है, राम सरोवर, जिसमें बाबा रामदेव जी महाराज स्नान किया करते थे, हमेशा रहता है, लेकिन इस बार भारी बारिश श्रावण और भादवा में हुई, इसके कारण पूरा ये सरोवर है पानी से भर गया है और एक बहुत खूबसूरत झील का सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो भक्त इस भारी और भीषण गर्मी में आ रहे हैं वो स्नान करके यहाँ पर अपनी थकान दूर कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, साफ़ सुथरा पानी है और खूब जमकर भक्त इसमें स्नान करके अपनी थकान दूर करें, अपनी गर्मी कम करें। सभी सरोवर के दर्शन कर रहे हैं, कोई स्नान कर रहा है तो कोई दर्शन कर रहा है। वर्षों के बाद में सरोवर का इतना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, पूरा लबालब है ये सरोवर। एक समाधियाँ हैं रामदेव जी महाराज के परिवार की, यहाँ पर जगह जगह रामदेव जी महाराज के जमे हो रहे हैं। समाधियाँ बनी है सरोवर के किनारे रामदेव महाराज के प्रति, जगह जगह जमे हो रहे हैं। आप परसा बावड़ी में लेकर जाते हैं बाबा रामदेव जी महाराज की, परसा बावड़ी में बाबा रामदेव जी महाराज के अनेक पर्चे रहे हैं और उन्हीं पर्चों के बल पर बाबा रामदेव जी महाराज को जो लोग मानते हैं आपको भजनों में सुनने को मिलता है। ये बाबा रामदेव जी महाराज की पर्चा बावड़ी है, बहुत प्राचीन है और जितने भक्त रामदेव जी महाराज के दर्शन करने के लिए रुक जाते हैं वो सब इस बावड़ी में दर्शन जरूर करते हैं। आइए आपको पर्चा बावड़ी के दर्शन करवाते हैं, आइए पर्चा बावड़ी में चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं।
लग रहे हैं, सभी भक्त दर्शन करके लौट रहे हैं परसा बावड़ी में। देखिए ये पैदल यात्री है जो बहुत लंबी यात्राएं करके आए हैं, घरों में आप देख रहे हैं पट्टे बंधे हैं, पंजाब के ये भक्त आप देख रहे हैं दर्शन करके भी आए हैं। परसा बावड़ी के करीब हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हैं परसा बावड़ी में। ये परसा बावड़ी पर बाबा रामदेव जी महाराज के दर्शन, दिव्य मूर्ति बाबा की घोड़े के साथ या बावड़ी पर लोग सुहा की चीज़ें चढ़ाते हैं, यहाँ पर चूड़ियाँ महिलाएं बांधती हैं और इस समय भी आप देख रहे हैं मोली बांधी जाती है, धागे बांधे जाते हैं। आप देख रहे हैं महिलाएं यहाँ पर सुहा की चीज़ें बांध रही है, चूड़ियाँ बांध रही है, धागे बांधे जा रहे हैं और धोक लगाई जा रही है। हमारे धर्म में हम बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं और विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। अगर हमें भगवान में विश्वास है तो भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। रामदेव जी महाराज की इस परसा बावड़ी में बहुत पर्चे मिले हैं, महिलाएं यहाँ पर सुहा की चीज़ें बांधती हैं, चूड़ियाँ बांधती हैं, धागे बांधती हैं, मोली बांधती हैं और कुछ महिलाएं इस समय भी ये कार्य कर रही है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? सरला। सरला जी आप कहाँ से आई हैं? पीलीभंगा से। पीलीभंगा हरियाणा पंजाब से? नहीं राजस्थान से। राजस्थान, अच्छा पीली हनुमानगढ़ जिले से। हनुमानगढ़। तो आपने अभी क्या बांधा यहाँ पर? चूड़ियाँ बांधी है। चूड़ी बांधी है, तो ये क्यों बांधी आपने? मनोकामना पूर्ति के लिए। बिल्कुल। तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है या कोई कामना की आपने? पहली बार ही आई हूं। क्या कामना की आपने चूड़ी बांधकर? वो सी कामना होती है। बिल्कुल, कुछ कामनाएं बताने की नहीं होती है। आपका क्या नाम है? सरोज। सरोज जी आप कहाँ से? गंगानगर से। गंगानगर से। आपने चूड़ी कैसे बांधी? बस आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। जैसे हम सालासर दरबार में जाते हैं तो नारियल बांधते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, यहाँ पर महिलाएं चूड़ियाँ बांधती हैं, पुरुष हैं वो मूली का धागा बांधते हैं और बाबा से अपनी कामना रखते हैं और जब वो पूर्ण हो जाती है तो फिर बाबा के दरबार में धूप लगाने के लिए आते हैं। केवल महिलाएं नहीं, पुरुष और युवा भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग आए। आपका क्या नाम है? राधा कृष्ण। कहाँ से हैं? पंजाब से। फाजिलका से। कौन सी जगह से? फाजिलका से। हाँ, आपने यहाँ पर परसा बावड़ी में दर्शन किए हैं तो यहाँ पर क्या कामना की आपने? यहाँ मैंने पुत्र संतान की कामना की है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से? पंजाब से। फाजिलका से। बिल्कुल। आप लोग पैदल आए हैं या गाड़ियों में? बाइक पे हैं, मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पे हैं, इतनी लंबी यात्रा करके। हाँ जी। बिल्कुल। आप? इस बार तो गाड़ी पे आए लेकिन पहले 6 बार पैदल आ चुके हैं। 6 बार आ चुके हैं। हाँ जी। कितना आनंद आता है यहाँ पर आकर? बहुत 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 आनंद है। अच्छा, बाबा ने पत्रे वाले वहाँ के बापू कुमाराम जी, उसने इस बावड़ी में छाल लगाई थी, हमारे नज़दीक है 12 किलोमीटर। अच्छा। और बापू कुमाराम जी को हम पूजते हैं और बाबा रामदेव जी तो हमारे आदर्श हैं। बिल्कुल, बाबा रामदेव जी हमारे आदर्श हैं और ये युवा आप देख रहे हैं बरसों से आ रहे हैं, कई पैदल यात्राएं भी हमने की है और इस बार कोई बाइक से आए तो कोई कार से आए तो कोई पैदल चल के आए हैं। ये बावड़ी के जल के हम दर्शन आपको करवा रहे हैं, ये परसा बावड़ी है रुणीचा धाम के। हजारों वर्ष पुरानी बावड़ी है ये बाबा रामदेव जी महाराज के भक्ति। काफ़ी भीड़ है आप देख रहे हैं यहाँ पर परसा बावड़ी पर, कितनी भीड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप बाबा रामदेव जी के रुणीचा धाम आते हैं तो आप बहुत सारी खूबसूरत यादें लेकर जाते हैं, सबसे सुंदर याद तो होती है कि आपने बाबा रामदेव जी महाराज की समाधि के दर्शन किए हैं, भक्तों के दर्शन किए, यहाँ पर राम सरोवर के दर्शन किए, यहाँ पर प्राचीन परसा बावड़ी के दर्शन किए हैं, लेकिन कुछ ऐसी सुंदर तस्वीरें भी आप यहाँ से लेकर जाते हैं जो आपको हमेशा यहाँ की याद दिलाती हैं। अनेक स्टूडियो यहाँ पर बने हैं जो आपको तुरंत फ़ोटो निकाल कर देते हैं। आपके पास अगर जीप नहीं है, लग्जरी जीप नहीं है, तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर ऐसी सुंदर जीपें खड़ी है जिसमें बैठकर आप फ़ोटो खिंचाएंगे, ये लगेगा कि ये जीप आपकी है। आपके पास बुलेट नहीं है तो बुलेट पर बैठकर आप यहाँ फ़ोटो खिंचा सकते हैं। किसी अभिनेता के साथ आपकी फ़ोटो खिंचाने की इच्छा है वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है और सबसे बड़ी चीज़ है बाबा रामदेव जी महाराज के साथ आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, क्योंकि समाधि स्थल पर आप ये काम नहीं कर सकते, वहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन यहाँ पर बाबा रामदेव जी महाराज का दरबार सजा है जहाँ पर आप बाबा रामदेव जी महाराज के साथ अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। फिलहाल मैं इस रॉयल जीप में बैठा हूँ जहाँ पर मैं भी इस फोटोग्राफी का आने ले रहा हूँ, मेरे भैया जो यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं उन्होंने मुझे इस जीप में बैठाया और मुझे भी वास्तव में लग रहा है कि मैं अपनी जीप में बैठा हूँ। ये कुछ खूबसूरत चीज़ें होती है जो आप मेलों में जाते हैं तो वो आपके लिए यादगार बन जाती है और आपको हमेशा ये याद दिलाती है कि आप किसी सुंदर स्थान पर गए थे या किसी तीर्थ स्थान में गए थे जहाँ पर आपने ऐसा फ़ोटो खिंचाया था। आप बुलेट मोटरसाइकिल पर भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं, बाबा रामदेव जी के साथ आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, जीप में बैठकर आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। रामपाल जी को आप देख रहे हैं अपने कैमरे के साथ तुरंत फ़ोटो निकाल कर देते हैं और खूबसूरत स्टूडियो बनाए हैं इन्होंने।
SNX स्टूडियो है यहाँ पर, जो तुरंत आपको फोटो देते हैं। ये पैदल यात्री आप देख रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए आए हैं, बाबा रामदेव जी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। देखिए कुछ लोग जीप में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, फ़ोटो खिंचाने के बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, संत महात्मागण भी आ रहे हैं। आप कहाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम विपिन भाई। आप कहाँ से हैं? मुंबई से। मुंबई से आए हैं। बाबा रामदेव जी के रुणिचा में कितनी बार आ चुके हैं आप? मैं यहाँ हर महीने आता हूँ। हर महीने आते हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो क्यों आते हैं हर महीने, क्या मिलता है आपको? यहाँ बाबा का आशीर्वाद मिलता है, बाबा का प्यार मिलता है, बाबा का दीदार होता है। यहाँ जो भी दुखी गण आता है वो रोते रोते आता है, लेकिन यहाँ से वो हंसते हंसते जाता है। चाहे वो मरा हुआ आदमी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोड़ी हो, अंधा हो, गूंगा हो, जिसने अपने माँ के पेट से पैदा होते बोलना नहीं सीखा, लेकिन बाबा के दरबार में 7 साल के बाद आया तो यहाँ जय बाबा री बोला। क्या बोले? जय बाबा की। आप भी बोलिए, जोई जय बाबा की, जय बाबा री। क्या बात है, आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा मैं जैसे रामदेव जी महाराज से बात कर रहा हूँ। जय बाबा री, ये तो आपकी। कितने वर्षों पहले आए पहली बार यहाँ पर? मैं यहाँ 15 साल से आया, प्रत्येक महीने उसके बाद लगातार आ रहे हैं। हर दूज को यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दूज का महीना है, क्योंकि संसार दूज पे चलता है। सारा संसार एक दूज को मानता है, लेकिन भारत है जो 12 दूज को मानता है, और तीसरा होता है परशुराम, 13वां दूज। वो दुनिया के कोई खाते में नहीं, कोई शास्त्र में नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है, वो सिर्फ भारत की धरती पे लिखा हुआ है। आप क्या काम करते हैं? मैं बॉम्बे एविएशन एयरलाइंस में काम करता हूँ मैं। हाँ, सांझ हो चुकी है और पुनः आपको बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। भक्तों का उत्साह, भक्तों की श्रद्धा देखते ही बन रही है। प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है, पूरी सुरक्षा बरत रहा है। 2019 के भादवा का बाबा रामदेव जी के मेले का नज़ारा आप देख रहे हैं। आज दूज है और खास दिन है आज बाबा के दर्शन का। बहुत खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं रुणिचा धाम के, पूरे मंदिर प्रांगण का। पूरे मंदिर प्रांगण में आप देख रहे हैं हजारों भक्त इस समय खड़े हैं। आज बाबा की दूज भी है, क्योंकि 10वीं के जन्मोत्सव का ये मेला चल रहा है, और मेरा सौभाग्य कि दूज के इस पवन पवित्र बेला में मैं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचा हूँ। तो पूरा जो रुणिचा धाम है वो रामदेवमय हो रहा है। मैंने आज आपको बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन करवाए, बाबा रामदेव जी के राम सरोवर के दर्शन कराए, आपको पर्चा बावड़ी के दर्शन कराए, और लाखों भक्तों के दर्शन आपको करा रहा हूँ। अद्भुत अलौकिक नज़ारा आप देख रहे हैं। लोग पूरे परिवार के साथ पैदल चल कर आए हैं, पेट पला नहीं चल कर आए हैं, गाड़ियों में आए हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं भक्त यहाँ पर। 2019 के भादव के मेले का नज़ारा रुणिचा धाम रामदेवरा से दिखा रहा हूँ आपको। चलिए पुनः आपको ये नज़ारा एक बार दिखा देता हूँ। रात हो चुकी है लेकिन भीड़ लगातार बढ़ रही है। भादवा की दूज और सुंदर अनुपम नज़ारा रुणिचा धाम से आपको दिखा रहा हूँ। बाबा रामदेव जी महाराज के जयकारों से पूरा रुणिचा धाम गूंज रहा है। गर्मी है, भक्तों की सेवा हो रही है, जल सेवा की जा रही है। रात में सजा धजा रुणिचा का मार्केट, जहाँ पर भक्त खूब खरीदारी करते हैं। दुकानों में लोग प्रसाद लेते हैं तो घोड़े भी खरीदते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए। रुणिचा का खूबसूरत मार्केट आप देख रहे हैं। ये देखिए लंबी कतारें। रुणिचा का मार्केट बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर प्रसाद के साथ घोड़े भी बिकते हैं, और भक्त जो आते हैं वो ये घोड़े बाबा रामदेव जी महाराज को चढ़ाते हैं, अपने घरों में लेकर जाते हैं। इन सब नज़ारों के बिना तो मेले फीके लगते हैं, और रुणिचा में भक्तों के मनोरंजन के लिए इस तरह के मेले भी लगते हैं। और ये मौत के कुएं का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। मारुति भी इस मौत के कुएं में दौड़ने वाली है।
हनुमान सिंह जी तंवर मेरे साथ है, जो कि बाबा रामदेव जी महाराज के वंशज हैं और इस मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले बाबा रामदेव जी महाराज की जय, मैं आपको नमन करता हूँ। बाबा रामदेव जी महाराज की थोड़ी सी संक्षिप्त महिमा बता दीजिए आज। बाबा रामदेव जी कलयुगी कृष्ण अवतार है, जिनका अवतार 1402 चैत्र शुक्ली पंचमी के दिन हुआ था। इन्होंने तंवर कुल में जन्म लिया था, तो वही तंवर जिन्होंने अनकपाल जी नाम के राजा ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण किया था, वो उनकी 24वीं पीढ़ी में वंशज है, जिन्होंने अजमाल जी के घर अवतार लिया था। और वो उनका मुख्य उद्देश्य अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक समरसता और हिंदू धर्म सनातन धर्म में फैल रही अराजकता, जिसमें हिंदुओं धर्म हिंदुओं को मुस्लिमों में डाइवर्ट करते थे, उनको रोकने के लिए ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया था। ये मेला किस अवसर पे होता है बाबा का, जो भादवा का मेला होता है? ये भादवा का मेला बाबा रामदेव जी ने भादवा मेले में 11 शुक्ल पक्ष की एकादशमी को समाधि ली थी। बिल्कुल, तो इस अवसर पे ये मेला होता है। लगभग कितने भक्त आते हैं इस मेले में? इस मेले में लगभग 50 लाख भक्त आते हैं। सबसे बड़ी बात इस मेले की है, इसमें देश के हर कोने से पदयात्री आते हैं, मोटरसाइकिलों या वाहनों से कम पदयात्री ज़्यादा आते हैं, और लगभग 50% यात्री यहाँ से अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। आप सुन रहे हैं, एकादशी भादवा एकादशी के दिन बाबा रामदेव जी महाराज ने यहाँ पर समाधि ली थी, और ये बाबा की समाधि का मेला है जो जिसमें 50 लाख भक्त आते हैं, और जैसा कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा लोग पदयात्रा यानी पैदल चलकर यहाँ पर आते हैं। और बाबा सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल हैं, सभी धर्मों के लोग बाबा को मानते हैं, और सद्भावना के लिए बाबा ने यहाँ पर अवतार लिया था। और निश्चित रूप से हम हमारे पीरों को, हमारे संतों को, हमारे लोक देवताओं को नमन करते हैं, जो हमारे देश में खुशहाली पैदा करते हैं, हर व्यक्ति की हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं।